दोस्तों स्वागत है आपका रियल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द रियल पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली वीडियोज़ मिलती रहती हैं। अब बात कर लेते हैं आज की सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि आती है महाराष्ट्र की मेट्रो को लेकर। महाराष्ट्र की जो मेट्रो है वो आपको कल से देखने को मिल जाएगी। तो एक मतलब अच्छी अपडेट इसलिए है क्योंकि अगर आप इसके लिए वेट कर रहे थे तो फाइनली जो मेट्रो है वो आपको देखने को मिलेगी। कल से जो इसका संचालन है वो किया जाना है, तो आप इसका जो फ़ायदा है वो ले सकते हैं। आप इसमें जो ट्रैवल है वो कर पाएंगे। क्या क्या प्रोटोकॉल्स रहेंगे वो तो आपको पता चल ही गए होंगे, और अदरवाइज़ मुझे अभी फ़िलहाल पता नहीं लगा है। जहाँ तक जो दिल्ली मेट्रो में सब कुछ हो रहा है, कुछ वैसा ही यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती हबीबगंज शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। हबीबगंज शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन आपको 17 अक्टूबर से देखने को मिल जाएगी, और इसकी जो बुकिंग है वो शुरू कर दी गई है। तो आप इस ट्रेन का भी जो टिकट है वो करा सकते हैं। आज से जो इसकी बुकिंग है वो चालू हो गई है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है रेलवे के एग्ज़ाम्स को ही लेकर। रेलवे की जो मिनिस्ट्रियल और आइसोलेट कैटेगरी पर जो फॉर्म लिए गए थे, उनका जो फॉर्म स्टेटस है वो कल के दिन आ जाएगा। कल 10 बजे के बाद आप अपना जो फॉर्म स्टेटस है वो चेक कर पाएंगे। जिस तरीके से RRB NTPC का आपने फॉर्म स्टेटस चेक किया था, कुछ इसी तरीके से आपको इसका भी जो फॉर्म स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है मुंबई लोकल को लेकर। मुंबई लोकल में दो और लोगों को अलाउड कर दिया गया है, जिसमें दिव्यांगजन हैं और इसी तरीके से जो कैंसर के मरीज हैं, उन दोनों ही को जो अब अलाउड है वो कर दिया गया है। ये जो लोग हैं वो अब आराम से इसमें ट्रैवल कर पाएंगे। हालांकि इनको बताना पड़ेगा, जैसे कैंसर मरीज हैं तो उनको अपना जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसके जो पेपर्स वगैरह वो दिखाने पड़ेंगे, और दिव्यांग जो होते हैं उनको तो उनका जो कार्ड है वो दिखाना पड़ेगा, उसके बाद वो ट्रैवल कर पाएंगे। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है मुंबई लोकल को लेकर। हालांकि जो नॉर्मल पैसेंजर्स हैं उनको अभी भी जो अलाउड है वो नहीं किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है IRCTC तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। IRCTC तेजस एक्सप्रेस ट्रेन ने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत कुछ नया नया वो कर रहा है। तो फिलहाल डायनेमिक फेयर को उन्होंने हटा दिया है। डायनेमिक फेयर अप्लाई नहीं होगा, तो यानी कि जो प्राइस है वो टिकट का इंक्रीज़ नहीं होगा। साथ ही साथ आपको जो फ्रूट वगैरह है वो दिए जाएंगे, यानी कि जो खाना है वो ऑलरेडी बना हुआ नहीं मिलेगा आपको। ऐसा जो खाना दिया जाएगा जो रेडी टू ईट होगा, और इसी तरीके से आपको फ्रूट वगैरह ज़्यादा दिए जा सकते हैं। हो सकता है ऐसा कुछ ना हो, सिर्फ फ्रूट वगैरह दिए जाएँ, जिससे कि चलते आप इजीली मतलब हेल्दी खा पाएँ, और जो कोरोना वायरस वगैरह का ये जो डर है वो मतलब आपको ना सताए। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है IRCTC तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती किसान आंदोलन को लेकर। जैसे कि हम सब जानते हैं जो किसान आंदोलन है वो चल रहा है, तो फिलहाल उसी के चलते किसान आंदोलन लगभग 19 दिनों तक चला, और रेलवे इसको 80 करोड़ रुपए यानी कि 80 करोड़ रुपीज़ का जो नुकसान है वो हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बट फिलहाल ये जो नुकसान है वो हो गया है रेलवे को। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है रांची से लेकर। रांची रेलवे स्टेशन पर एक नया फुटओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। तो फिलहाल ये जो नया फुटओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, इस पर जो गर्डर हैं वो सक्सेसफुली लॉन्च कर दिए गए हैं। ये जो फुटओवर ब्रिज बनेगा ये प्लेटफॉर्म 5 को कनेक्ट करेगा, और साथ ही ये प्लेटफॉर्म 5 से पहुंच जाएगा डायरेक्ट एग्जिट तक भी। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा फुटओवर ब्रिज देखने को मिलेगा, और आप इसका जो फ़ायदा है वो डायरेक्ट एग्जिट और जो एंट्रेंस का भी काम करेगा वहाँ से भी ले पाएंगे। तो इस तरीके का जो फुटओवर ब्रिज है वो बनाया जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, गौरीगंज और जायस रेल सेक्शन से लेकर। गौरीगंज और जायस रेल सेक्शन में मैंने आपको बताया था ब्लॉक लिया गया था। यहाँ पर 13 अक्टूबर को जो ट्रायल हैं वो लिए गए हैं। जब ट्रायल लिए गए हैं उसमें 120 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से जो ट्रेन को चलाया गया। साथ ही यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ सही रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन और जो ट्रैक वो डबलिंग हुई है सब कुछ एकदम ठीक मिला है। तो यहाँ पर जो ट्रेनों का संचालन है वो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर ट्रेनों की जो मैक्स मुझे लगता है 100 यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर की ही रहेगी। तो आपको जल्द ही यहाँ पर ट्रेनों का संचालन होता हुआ दिखेगा जायस तक। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लगभग 18 किलोमीटर 17 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच था, जो कि कंप्लीट कर लिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है पैसेंजर कोच को लेकर। पैसेंजर कोच अभी तक आप देखते हैं जो ICF कोच होते थे उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा रखी जाती थी, लगभग 20 से 25 के बीच में रखी जाती थी, और उसके बाद में उनको NMG कोच के तरह यूज़ किया जाता था। लेकिन अब रेलवे ने डिसाइड किया है कि जो पैसेंजर कोच हैं उनकी जो लाइफ है वो अब 18 साल ही रहने वाली है। 18 साल के बाद में उनको कन्वर्ट
कन्वर्ट कर दिया जाएगा एनएमजी कोच में। तो फिलहाल ये एक काफ़ी अच्छा डिसीजन कह सकते हैं। हालांकि रेलवेज़ को इससे कितना फ़ायदा होगा या फिर नुकसान भी होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ जो पैसेंजर्स हैं उनको हमेशा एक नया कोच देखने को मिलेगा, और नया कोच मतलब ज़्यादा बढ़िया, और जितना ज़्यादा कोच बढ़िया उतनी ज़्यादा आपकी सेफ्टी। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट निकल कर आती है इंडियन रेलवेज़ के लिए। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है CLW से लेकर, यानी कि चित्रांजल लोकोमोटिव वर्क्स। इन्होंने अपना इस फाइनेंशियल ईयर का 150 यानी कि 150 का जो लोकोमोटिव है वो बनाकर तैयार कर दिया है, जो कि WAG-9HC है। तो WAG-9HC को सक्सेसफुली रवाना कर दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। 150 लोकोमोटिव इस फाइनेंशियल ईयर में वो अब तक बना चुके हैं, तो एक अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड वाली बात सामने निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है तेजस लोकोमोटिव को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, WAP-5 तेजस लोकोमोटिव आ चुका है, और ये जो लोकोमोटिव है ये गया है गाजियाबाद शहर को। तो गाजियाबाद शहर को ये गया है, मतलब सिंपल सी बात है, जो अभी आपको तेजस एक्सप्रेस ट्रेन देखने को मिलेगी, मुझे लगता है उसमें जो लोकोमोटिव है वो हमें देखने को मिल जाएगा। देखते हैं पहले रन पर ये जो लोकोमोटिव है वो हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो तेजस एक्सप्रेस ट्रेन पहले से और भी ज़्यादा बेहतर देखने को लगेगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, पैनर या फिर पैनर रिवर है ऐसा कुछ नाम है, सालेम डिवीज़न की ये बात है। तो इस रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है जो कि स्टील गर्डर का था, तो यहाँ पर स्टील गर्डर को बदल कर जो नए गर्डर हैं वो लगाए गए हैं, और उसके बाद में ये जो सारा काम है सिर्फ 6 आवर्स यानी कि 6 घंटे के अंदर अंदर पूरा कर लिया गया, जो कि एक अपने आप में काफ़ी बड़ी बात थी। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है, अब ये जो ब्रिज है इसके जो मेंटेनेंस है वो कर दी गई है, यहाँ पर अब ट्रेनों का संचालन थोड़ी अच्छी स्पीड से किया जा सकेगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, WAG-12V लोकोमोटिव को लेकर। WAG-12V हम जानते हैं हमारे रेलवेज में आ चुका है, तो इसको RDSO लखनऊ के द्वारा 120 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से चलने की जो अनुमति है वो दे दी गई है, और ये एकमात्र लोकोमोटिव बन जाता है, यानी कि हमारे भारतीय रेलवे का पहला फ्रेट लोकोमोटिव है जिसको 120 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से चलने की जो अनुमति है वो दी गई है। तो ये जल्दी आपको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काफ़ी तेजी से फ्रेट को ले जाता हुआ दिख जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन जो कि डिब्रूगढ़ और नई दिल्ली के बीच में चलाई गई, जिसको 12 अक्टूबर को 025-05 ट्रेन नंबर के साथ चलाया गया है। ये ट्रेन पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन बन गई है जो कि बोगीबील ब्रिज से होकर गुजरी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। बोगीबील ब्रिज से राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का जो संचालन है वो कर दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है फेस्टिवल ट्रेन को लेकर। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत 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 सारी फेस्टिवल ट्रेनों को रेलवे से इंट्रोड्यूस किया है, मैं आपको जैसा कि इमेज में दिखाई रहा हूँ, बाकी आप ये सारी जो इमेज है वो मेरे इंस्टाग्राम से भी ले सकते हैं, मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूँगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो train.adventure है, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने दिखाई दिया है किस तरीके से आपको लिखना है, वैसे सर्च करके आप देख सकते हैं, आप चाहें तो उस पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर भी इनको सेंड कर दूंगा। तो बहुत सारी जो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें वो चलने वाली हैं। हालांकि जो सारी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें जो मैंने आपको दिखाई हैं वो 20 तारीख यानी कि 20 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर यानी कि 30 नवंबर तक चलने वाली हैं। तो ये जो ट्रेनों का फ़ायदा आप ले पाएंगे, हालांकि हो सकता है इनको बाद में आगे एक्सटेंड भी किया जाए, बट इसके ऊपर कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है। तो अभी आप इनको 30 नवंबर तक तो यूज़ कर ही पाएंगे। इसमें हिमगिरी और बाग दोनों शामिल है, जो आपका काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था। तो इन दोनों ट्रेनों की भी जो बुकिंग है वो 20 से ये स्टार्ट हो रही हैं, तो आपको 17 या 18 के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो आज की जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं, आती है देहरादून और हरिद्वार रेल सेक्शन को लेकर। यहाँ पर जो डबलिंग का काम है वो होना है, ये एक मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल कर आ चुका है कि यहाँ पर जो डबलिंग है वो की जाएगी, क्योंकि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुद ही अनाउंस किया है कि यहाँ पर उत्तराखंड के लिए इस बजट में बहुत सारा जो बजट में अलॉटमेंट है वो दिया गया है, लगभग 1630 करोड़ रुपए के आसपास दिए गए हैं, जिसमें ये हरिद्वार और देहरादून वाली जो लाइन है उसको डबल करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। हालांकि यहाँ पर जो स्पीड इंक्रीजमेंट है वो तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मतलब बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो हल नहीं हो सकती, लेकिन हाँ जब डबल लाइन हो जाएगी तो यहाँ पर आपको ट्रेन्स थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। तो बस दोस्तों आज की जो रेल अपडेट है उसमें इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।